चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की कांग्रेस सरकार कई स्कीम्स की घोषणा कर चुकी है, जिसमें ताजी घोषणा सीएम की सात गारंटी है। बता चले भले ही सात गारंटी हो या अन्य कोई योजनाएं, ये सब के सब कहीं ना कहीं महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि अब की बार मतदाताओं में महिलाओं और युवाओं का प्रतिशत ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचार की कमान प्रियंका वाड्रा के हाथों में सौंपी है। और आपको बता चले बीजेपी कांग्रेस के इस चाल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि भाजपा ने भी प्रदेश की महिला कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से नवाजा है। बीजेपी के कई कार्यक्रमों में और यहां तक कि मंच पर भी महिलाएं मजबूत भागीदारी तय की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री की ददिया में हुई सभा की तरह आज भी प्रदेश भाजपा के प्रेस वार्ता की कमान महिला विंग के ही हाथों में रही। इसी कड़ी में महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, प्रदेश में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अपूर्वा सिंह, डॉक्टर निमिषा गौड़ और एकता अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान तीनों वक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से महिला सुरक्षा की गारंटी, पेपर लीक ना होने की गारंटी सहित प्रदेश में मुफ्त बिजली के नाम छलावे को बंद करके बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने की गारंटी मांगी है। हम सब ने देखा कि पिछले चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में बार बार कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो बिजली की दरों में एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बावजूद उसके लगातार कांग्रेस के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में इन्होंने लगातार 9 बार बिजली की दरों में अलग अलग टैक्स लगा करके वसूली करने का काम किया। मैं सबको बताना चाहूंगी कि 2018 की चुनाव सरकार में, हमारी सरकार में जो बिजली की दर 5.55 रुपए थी, वो वर्तमान में कांग्रेस के शासनकाल में बढ़कर के 11.90 रुपए हो गई है। मैं ये बताने चाहूंगी अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार जो कि बड़े बड़े वादे करती है और जनहित का वादा करके ये कहती है कि 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा जनता के साथ छलावा किया और धोखा करते हुए उन्होंने बहुत अधिक फ्यूल सरचार्ज लगा करके 1.39 करोड़ परिवारों के साथ छलावा किया और उसी जनता से उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए वसूल करने का काम किया। धर्म से तो खैर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, पर अगर राज में बैठे हैं तो राज धर्म से तो लेना देना उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। 35,000 से ज्यादा रेप की घटनाएं, ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में दुष्कर्म, 15,000 माइनर बच्चियों के साथ दुष्कर्म, प्रत्येक दिन 17 रेप और हत्याओं का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 5 हत्याएं छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी अगर राजस्थान के अंदर एक बच्ची अपने घर से बाहर कदम रखती है तो उसकी बुजुर्ग माताएं, बहनें घर में बैठ करके राम का नाम या अपने भगवान को याद कर रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि इस राजस्थान सरकार में पिछले 5 सालों से जो आंकड़े और वो माताएं बहनें बैठ के जो अखबार पढ़ती है ना, वो सिहरती हैं। वो सोचती हैं आज मेरी बच्ची शिक्षा में गई है, शिक्षा प्राप्त करने गई है, क्या वो सुरक्षित वापस घर पे कदम रखेगी? और जब रखती है ना तो वो अपने भगवान को मनाती है कि धन्यवाद भगवान, आज तो मेरी बच्ची सुरक्षित आ गई, कल का मुझे पता नहीं। असमंजस में रही कांग्रेस की सरकार और रीट उत्सव चीट उत्सव में परिवर्तित हो गया। ऐसी चीट 26.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, और परीक्षा भी कैसे दी थी, मंगलसूत्र उतार दीजिए, कान की बालियां उतरवा ली, हाथ की बाहें कटवा ली कैंची से, 1 मिनट लेट हो गए तो अंदर नहीं जाने दिया, रोती रही बिलखती रही अभ्यर्थी लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। इस चीटिंग को झेला है राजस्थान के युवाओं ने। 10,000 करोड़ रुपया राजस्थान के युवाओं का सीधे जिम्मेदार है कांग्रेस सरकार। अभी सुनने में आ रहा है कांग्रेस के दो मंत्री और एक पूर्व मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, 100 प्रत्याशियों तक तो ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सरकार जवाब दे।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।